आइए सर, खड़े हो जाएंगे। प्रार्थना में सरों को झुकाएंगे। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी महान करुणा में होकर हमें एक बार फिर से यह अनुग्रह दिया कि हम आपकी छत के नीचे आपके भवन में प्रभु यहाँ तक सुरक्षित लाए गए। आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने अब तक संभाल कर रखा, प्रभु अपनी हुजूरी में रखा, आप ही रक्षक हुए, आप ही मदद कर। रात भर की सलामती सुबह की सृष्टि के लिए पिता परमेश्वर हम आपके धन्यवाद दिए कि आपने अपनी महान करुणा में होकर हमें बचाया, बनाया प्रभु, और अब तक सुरक्षित रखा है। पिता, जितने भी लोग हमसे इंटरनेट के द्वारा जुड़े हैं और जो यहाँ पर हैं, उन सबका चार्ज आप प्रभु टेक ओवर करें। पिता, हर एक तरह की डिस्टर्बेंस से, हर एक तरह की दुष्ट आत्मा से, हर एक तरह की परेशानी से प्रभु बचाकर अपने लहू के वाहे में और अपने आत्मा के अगुवाई में हमें सुरक्षित करें। आप ही हमारे रक्षक हो, हमारे मददगार हो। हम जो कुछ भी आराधना करते हैं प्रभु वचन से होता है, वो सब आपके द्वारा आपके नाम की महिमा के लिए हो। एक बार फिर से प्रभु तमाम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस धन्यवाद की भेंट को आपकी वेदी पर समर्पित करते हैं और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। प्राइस द लॉर्ड। लाइए आज के निकालेंगे भजन संहिता 103 और हम सब एक साथ प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। भजन संहिता 103 हम सब एक साथ प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी काप की नाई नई हो जाती है। यहोवा सब सिरों के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इसराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सदैवदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर हैं, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल की नाई फूलता है, और जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करते उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेना, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में सरों को झुकाएंगे और हमें से एक जन प्रार्थना करेगा। सर्वशक्तिमान हमारे धन्यवाद देते हैं आपका सलाम प्रभु, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन की आज वर्षिप के डे में प्रभु आप हम सबको इकट्ठा करा खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं। रात भर के सलाम के लिए बड़े धन्यवाद देते हैं प्रभु,
हम सब को मीठी नींद की सुबह की रोशनी दिखाई, मस्जिदों की जमीन पर सीधा रखा है, तमाम हरी बीमारी दुख मुसीबत परेशानी से बचा के प्रभु अपने भवन में लेके आए, जिसके लिए आपका बड़े धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपने तमाम निगम विपक पर जाने और अनजाने की एक बार फिर से मान लेते हैं कि हम जो चीज़ें जानते भी नहीं खुदा, और अगर आपकी निगाह में कुछ हमसे गलत हुआ है प्रभु, तो मेहरबान बापू के हम सबको माफ़ करें प्रभु, और हम हमको अनुग्रह दें कि हम आपके भवन में रू और सच्चाई ईमानदारी वफादारी से बैठने पाए प्रभु। हमारे जितने भाई बहन प्रभु जी इकट्ठे हो चुके हैं उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आज एक लॉकडाउन का समय है प्रभु, आज दिन है खुदा कि हम भाई बहन एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते प्रभु, तो तेरी योजना के अनुसार आज हम सब अपने अपने घरों में बैठ के तेरी ये प्रभु स्तुति और महिमा करेंगे खुदावन। प्रभु जी इसका हमें कोई भय और डर नहीं, क्योंकि तूने ही वचन में पहले से कहा है, जहाँ मेरे नाम से दो या तीन इकट्ठे होते वहाँ मैं मौजूद होता हूँ। प्रभु यीशु मसीह अगर हमारा कोई अकेला भाई भी है तो तू उसके साथ है प्रभु, और तू और वो मिलके दो हो जाते हैं खुदावन, क्योंकि तू अपने वायदे में पक्का और पक्का है खुदावन। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये सच है कि हम शरीर के भाव से जरूर अलग हैं, लेकिन हम सब आत्मा में एक हैं खुदावन। हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता इन तमाम इन समयों के लिए खुदा, जो दिन प्रतिदिन खुदावन इतने उलझन भरे दिन आते चले आ रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं प्रभु जितना ये प्रेशर पड़ेगा और प्रभु उतनी ही जल्दी हमारे यहाँ से जाना होगा खुदावन। हम तेरा इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, और हर एक भाई बहन के लिए यही प्रार्थना करते मेरे खुदावन कि हर एक को मन प्राण देह आत्मा से तैयार कर प्रभु। हम सब अपनी देह प्राण आत्मा को तेरे हाथ में देते हैं खुदावन, और यही चाहते मेरे पिता हम सबको तैयार करें, हमारे जीवनों को छाट छाट कर अपने शेप में लाएं। अगर आज भी हमारे जीवनों में कहीं कोई गड़बड़ी है, कहीं कोई दाग और धब्बा है, कहीं कोई मन मुटाव है, यीशु मसीह ना से तेरे लहू से वो छाटा और काटा जाए प्रभु, वो धोया जाए मेरे पिता, ताकि हम सब भाई बहन एक मन और एक चित्त होकर खुदावन तेरे राज्य की तैयारी करने पाए प्रभु। और जबकि खुदावन हम लोग को ये तो मालूम ही था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हम लोग एक साथ वर्शिप नहीं कर पाएंगे, और प्रभु जी वो आज हमारे सामने है। हम लोग के लिए कोई नया नहीं है, कि कोई ताजुब की बात नहीं है कि ये जो हो रहा है प्रभु, और तूने तो हम सबको पहले ही से बता दिया है प्रभु कि जो सबको होना था प्रभु जी जो आज हो रहा है प्रभु। और खुदावन वचन कहता है, प्रॉफिट ने कहा है, धन्य है तुम्हारी आंखें जो इस वक्त को देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान जो इन बातों को सुन रहे हैं। प्रभु जी इस समय को देखने के लिए बड़े बड़े भविष्यवक्ता और नबी चाहते थे, लोग चाहते थे कि इस समय को देखें, लेकिन वो ना देख सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज के समय में तूने इस छोटे से झुंड को रखा है प्रभु जो देख सकता है प्रभु। मेरी प्रार्थना है खुदावन हम सबको तैयार करें, क्योंकि समय नहीं है कि हम अपने समय को बर्बाद करें प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु, जैसा हम लोग हमेशा ये बात बोलते थे कि वचन कहता है कि तुम्हारी वर्शिप पक्की फरीसियों से ज़्यादा होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह वो हम लोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तूने ऐसा ये समय दिया कि हर जन्म हर समय हर पल तेरे ही नाम में और तेरी सलीब से लिपटा रहता है खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने लिपट चुके हैं प्रभु, जिनको तूने अपने आगोश में ले लिया उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं, और जो हमारे भाई बहन अभी रह गए हैं विश्वास में कहीं कमजोर पाए जा रहे हैं, तो उन्हें भी तू घसीट ले प्रभु मेरे खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि अभी समय है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि समय नहीं होगा, और ये भयावह स्थिति जो आज हम लोग से अपने आंखों से देखे नहीं जा रही है खुदावन, और इससे कहीं ज्यादा होगा। वचन बताता है ना कभी हुआ था और ना कभी होगा। मेरे प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं तमाम बातों के लिए, और यही चाहते हैं खुदावन कि तू हम सब पर दया करें प्रभु यीशु मसीह। आगे की जो भी हम लोग ने वचन पढ़ा है प्रभु, उस पर तेरी आशीष चाहते हैं मेरे पिता। अपने भाई पास्टर के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने अब तक सलामती से रखा प्रभु। अपने भाइयों प्रचारकों के लिए प्रभु जी, एल्डर्स के लिए, डीकन के लिए, ट्रस्टीज के लिए प्रभु जी, और जो हमारे छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं प्रभु जी, गाने सिखाते हैं, वचन की बातें माएँ सिखाती हैं, उन सबों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और यही चाहते हैं खुदावन इन माँ को जो तूने छोटे छोटे बच्चे गिफ्ट के रूप में दिए हैं प्रभु। वचन कहता है माँ ही अपने बच्चों के पास रहे, तो मेरी इल्तजा है उन माँ के लिए खुदावन तुझसे, उन माँ को तू अपनी समझ दे, अपना प्रकाशन दे, ताकि इन बच्चों का लालन पालन मसीह मिजाज में करने पाए, ताकि ये पौध तैयार होने पाए तेरे लिए प्रभु। और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम घरों में जरूर है प्रभु, तेरे ही वचन में लिपटे हैं मेरे खुदा, तो
बीमार हैं, जो परेशान हैं, उनकी बीमार परेशान को दूर करें। खास तौर से प्रभु हम भाई दिलीप के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसके गले में जो भी तकलीफ है हम विश्वास करते खुदा तूने उसको चंगा कर दिया है मेरे खुदावन, और अगर कुछ रह गया है तो तू चंगा कर सपूर्ण से, ताकि वो भाई खड़ा होके, वो बच्चा खड़ा होके तेरे नाम की हम तो सना हम तो सिताई से तेरा धन्यवाद देने पाए। सरिता के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने उसको चंगा करा प्रभु, वो रात भर मीठी नींद सोई है प्रभु, हम उसके लिए तेरा एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भरे उसको प्रभु, और अपने लिए उस बच्चे को इस्तेमाल करें खुदावन। अगर कोई और भी बीमार परेशान है उसको उसकी प्रभु की बीमारी परेशानी को दूर करें, तूने मेरे को चंगा करा, हम एक बार फिर से तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेरे खुदावन मेरा विश्वास मेरी चट्टान मेरा भरोसा तू है, मेरे डॉक्टरों का डॉक्टर वैद्यों का वैद्य तू है प्रभु, हम किसके पास जाएं, हम तो तेरे पास आएंगे और लिपटेंगे खुदावन, और प्रभु जी तुझसे ही लिपट रहेंगे छोटे बच्चे की तरह, चाहे मारे और चाहे फाड़े तू ही चंगा करेगा खुदावन। और ऐसा वचन बताता है मेरे पिता, हर एक बात को तेरे हाथों में देते, आगे की हर एक कार्रवाई को आपके हाथ में देते हुए इस प्रात और अपने उद्धार करने वाले खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मेरे गीत की किताब उठा दें। प्रभु की आराधना में हम धन्यवाद प्रभु को समर्पित करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं।
अच्छा है वो, कितना धन है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। और सच में मुझे कोई घटी नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु के चरणों में अपने ऑफरिंग्स को लेकर आएंगे और इसी के साथ अपने संपूर्ण मन से अपने आप को समर्पित करें प्रभु को। जो कुछ भी उसने हमें दिया है उसकी चेनानी के रूप में हम प्रभु के इस में डालेंगे और अपने करेंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊँगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। ये 182 नंबर है सॉन्ग बुक में, ये 122 है और सियोन गीत की पुस्तक में ये 182 है और सॉन्ग बुक में 122।
Amen. Praise the Lord. आइए प्रार्थना में हम सर को झुकाएंगे। हमारे अति महान करुणामय परमेश्वर, आपका बहुत धन्यवाद करते हुए प्रभु आपके चरणों में हम खड़े हैं। प्रभु ये आपका अनुग्रह ही है जो प्रभु आज तक आपने हमें संभाल कर और बनाकर रखा है, दुनिया की तमाम गड़बड़ियों से और गंदगियों से बचा कर रखा है। ये प्रभु आपका अनुग्रह है और प्रभु आपने अपनी हुजूरी को हमारे बीच में हमेशा प्रकट किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत धन्यवाद के साथ प्रभु जब हम अपनी कमाईयों में से प्रभु इस छोटी सी भेंट को लेकर आए हैं, पिता परमेश्वर होने पाए ये आपको ग्रहण योग्य हो। हमारा समर्पण प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो पिता, और प्रभु आप इसे अपने लिए ही इस्तेमाल करें, अपनी महिमा के लिए प्रभु इन जीवनों को प्रभु हमने जो समर्पित किया है प्रभु इनका चाष्टे केवल करें, हमारे अधर्म को दूर करें, हमारे पापों को दूर करें, और हमने प्रभु विचारों में या कामों के जरिए कुछ भी ऐसा किया हो जो आपके द्वारा नहीं वरन प्रभु आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं हुआ, प्रभु उसके लिए आप हम सबको क्षमा कर दें पिता, और हमारा चाष्टे केवल करें, और जो कुछ भी आपका नहीं है या आपके द्वारा नहीं है वो सब कुछ हमारे जीवनों से दूर हो, हम में से दूर हो, हमारे शरीर, हमारी आत्मा और हमारे प्राण में से दूर हो, और हम सब प्रभु बस वही ग्रहण करें जो प्रभु आपके द्वारा है, आपके लिए है, आपकी महिमा के लिए है। पिता परमेश्वर हम सब अपना चार्ज आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते पिता, आज जो कुछ भी हमारे लिए ज़रूरी है, जो कुछ भी हमारे लिए आप दिया चाहते हैं पिता, उस पर आपकी आशीष हो। प्रभु बोलने वाले हम ज़रूर हो, लेकिन प्रभु समझाने वाले आप हो प्रभु, कैसे करना है, क्या करना है प्रभु आप ही इसे अपने प्रकाशन के जरिए प्रभु हम सबको प्रदान करें। प्रभु इस भेंट के लिए आपका धन्यवाद हो, होने पाए आप इसे ग्रहण करें, जितनों ने प्रभु दिया है उनके भंडारों को भरा पूरा रखें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। सारा कुछ चार्ज तेरे हाथों में सौंपते हैं, ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम निकालेंगे अपना टेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, डैनियल नबी की पुस्तक का 9वां अध्याय और उसके हम 70 सप्ताहों को देख रहे हैं। कल हमने इसका कैलकुलेशन किया था, आज मैं फिर से इसका रिज्यूम लेकर आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। देखें डैनियल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसका 25वें पद से आगे, क्योंकि हम 24वें पद को दूसरे भाग में देख चुके हैं और कल भी हमने इसका रिज्यूम किया था, और एक जो छठा पार्ट है कि परम पवित्र का अभिषेक किया जाए, ये उस समय में यानी कि मिलेनियम के टाइम पर इसराइलियों के बीच में पूरा होगा। 25वें पद से आगे की ओर, सो ये जान और समझ ले कि यरूशलम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे, फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा, और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा
नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली गणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीषों में प्रार्थना करें अनुग्रहकारी पिता। अब जब हम अपने टेक्स्ट की ओर प्रभु आगे की ओर बढ़ते हैं, तो प्रभु आप ही हमें बुद्धि दें, और प्रभु आप ही प्रकाशन दें, आप ही समझ दें, हमारा चाष्टे को वह करें, दुष्ट की हर एक चाल हमारे बीच से जाती रहे, और हम सब आपके लहू के बाड़े और आपके आत्मा की अगुवाई में सुरक्षित हों। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब बैठ जाएंगे। जैसा कि हमने कल देखा था, मैं इसके लिए थोड़ा सा चार्ट की तरफ जाना चाहूँगा कि हम इसे थोड़ा सा फिर से जो है बना सकें। कैमरा भाई इधर की तरफ कर दीजिएगा ताकि हम इसे फिर से देख सकें। कल जो कैलकुलेशन की गड़बड़ी थी वो मेरी ही गलती थी, और मैंने ही 69 की जगह 369 लिख दिया था। आज हम इसे फिर से देखने जा रहे हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि हम दोबारा से इसे गीला कपड़ा करके धोते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को देख लें, 7 सप्ताह यरूशलम के बसाए जाने के लिए आगे निकलने के बाद, उसके बाद 62 सप्ताह अभिषेक पुरुष काटा जाएगा, और 1 सप्ताह इस तरह से ये टोटल जो है 7 + 62 + 1 ये 70 सप्ताह बनते हैं। अब इन 70 सप्ताहों का किस तरह से हिसाब है इसको हम थोड़ा सा आगे की ओर देखेंगे। ये जो चीज़ निकल कर आई है ये 17 साल, यहाँ पर 1 सप्ताह आता है, सात वर्ष के बराबर है। तो अगर हम इनका जोड़ करते हैं तो आप देखिए 7 × 7 + 62
इसको मैं इस तरह से लिख दूँ तो आपके ये ज़्यादा आसान रहेगा। सात प्लस 62 यानी 72 गुना 7, ये पूरे के पूरे जो हैं वो 483 वर्ष बनते हैं। ये अब अगर हम नेमिया की पुस्तक को देखेंगे तो नेमिया के द्वारा यानी नेमिया ये दूसरा अध्याय 1 से 8 तक, फिर 17वां पद, फिर 18वां पद, इसके जरिए से ये जो समय बनते हैं वो कैसे बनते हैं इसको ज़रा थोड़ा सा देख लेंगे। ये 7 वर्ष जो हैं, ये 7 वर्ष ये यरूशलम के बनाए जाने के हैं, यानी जब आज्ञा निकली और नेमिया गया है और नेमिया जाकर इन 7 वर्षों के अंदर, ये 7 सप्ताह के अंदर इसका बनाया जाना, तो नेमिया के दूसरे अध्याय के 1 से 8 पद के अंदर ये आज्ञा निकली कि जाकर तू जो अपने नगर को जो है वो बसा। लेकिन इससे पहले जो चीज़ें आई थी वो थी मंदिर को बनाने की, जो उसको मैं यहाँ पर साइड में नोट कर दे रहा हूँ, तब आप इसे देख लेंगे कि किस तरह से एज़रा एज़रा पहला अध्याय और उसके पहले 4 पद 1 से 4 तक, ये पहली आज्ञा निकली थी और उसके बाद इसमें जो है वो टेंपल बनाया गया है यानी मंदिर बनाने के लिए, इसमें मंदिर बनाने की आज्ञा। और उसके बाद एज़रा और उसका 6वां अध्याय 6 से 12 तक, ये दोबारा से जो है मंदिर का बनाने के लिए जो है ऑर्डर दिया गया कि जो वहाँ के अधिपति लोग थे जो काम देख रहे थे इसराइल देश के अंदर यरूशलेम के अंदर, वो इसके अंदर मंदिर को बनाने में हिंड्रेंस ना डालें, इसमें भी मंदिर बनाने का काम है। उसके बाद तीसरा यानी फारस के राजा के समय में, ये एज़रा 7वां अध्याय है, और इस 7वें अध्याय के अगर आप पूरा अध्याय देखेंगे तो आपको पूरी बात पता लगेगी, मैं इसे पूरा ही लिखे देता हूँ। यहाँ पर भी मंदिर बनाने का जो है वो आदेश है, लेकिन यहाँ नेमिया का जब समय आता है तब यहाँ से ये जो है ये यरूशलम बनाने का, और इसको जब आप देखेंगे तो आप ये दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे के अध्यायों को पढ़ेंगे, वहाँ पर लोगों ने जो है मंदिर की को नहीं वरन जो शहरपना बना रहे थे, चारों तरफ दीवार बना रहे थे, उस दीवार को तोड़ने के लिए प्रोग्राम बनाया, तो इन लोगों ने हाथ में हथियार लेकर, और एक हाथ से हथियार लेते थे, तलवार थी या जो कुछ उनके पास था, और उसके दूसरे हाथ से वो इसको शहरपना को जो थे वो बना रहे थे, और दूसरे लोग जो वहाँ पर थे वो इसका बड़ा ठट्टा करते थे। तब इन लोगों ने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने इन सबको जो है ये काम जो है किया। ये नेमिया है यहाँ से, अब देखें अगर यहाँ से हम प्रॉफिटिक कैलेंडर का अगर लेते हैं तो 3 तरह के कैलेंडर हैं जिसके अंदर ये सारा कार्यक्रम जो है पूछा गया। तो पहला कैलेंडर था प्रॉफिटिक कैलेंडर,
मैं इधर ही लिखे देता हूँ ताकि आप इस बात को नोट कर सकें। पहला है जूलियन कैलेंडर, मुझे हिंदी में लिख दे दीजिए ताकि हमारे सब भाई बहन इसे नोट कर सकें। जूलियन कैलेंडर, इसमें एक वर्ष जो होता है आप समझे, ये एक मिनट मुझे देख लेने दीजिए, ये तीन सौ पैंसठ सही वर्ष जो है पूरा 365 सही एक बटे चार दिन इसको। दूसरा है रोमन कैलेंडर, इसमें 365 दिन होते हैं। और तीसरा है प्रोफेटिक कैलेंडर, इसमें होते हैं 360 दिन। इनके हिसाब से जब गणना करी जाती है तो इसके अंदर वर्षों का जो है अंतराल आता है, और इस अंतराल को अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि ये पूरी तरह से जो कैलकुलेशन के साथ दिया गया है वो ये है। यानी नेमिया से जब शुरुआत हुई थी यहां से लेकर और यहां तक यानी 62 सप्ताहों तक, ये पूरे के पूरे जो दिन बनते हैं ये देखिए किस तरह से बनते हैं। यहां पर मैं देख रहा हूं नेमिया, मैं नेमिया की बात कर रहा हूं, इनको इसलिए छोड़ दिया है कि ये पहली आज्ञाएं थी जिनमें मंदिर बनाए गए थे, लेकिन मेनिया नेमिया के समय में ये यरूशलम का बनाना था, यरूशलम नगर का बसाया जाना, यरूशलम का बसाया जाना, बसाया जाना, ध्यान दीजिए। और इस वक्त यहां पर अगर आप देखें तो यहां से पूरी तरह से जो मैं 80 पैराग्राफ पढ़ रहा हूं इसका आप देखें। अब यीशु जो कि मसीहा था, जो कि परम पवित्र था, खजूर के इतवार के दिन सफेद लादू पर बैठकर यरूशलम नगर में आया, और ये दिन 2 अप्रैल 30 एडी था। यीशु 30 एडी में खजूर के इतवार के दिन यानी पाम संडे के दिन लादू पर बैठकर यरूशलम में आता है, और ये 445 बीसी से लेकर 445 यानी ये समय जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो किया है 445 वर्ष तब से लेकर, और जब वो एंटर करता है यरूशलम में पाम संडे को 30 AD, बल्कि मैं कहूं ईसा पश्चात AD आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 475 वर्ष आते हैं। लेकिन जो पहले यानी कि इन 7 के हिसाब से यानी एक हफ्ते में 7 वर्ष के हिसाब से जो जोड़ा गया था ये आते हैं 400
83 वर्ष। अब इन दोनों के अंदर जो है वो 8 साल का फर्क पाया जाता है, 8 साल का फर्क जो है वो पाया जाता है। अब देखिए ये कैसे और किस तरह से प्रॉफिट ने इसे समझाया है, इसे प्रॉफिट ने 84 पैरा के अंदर जो है वो समझाया है। जब मसीह मारा गया था तब बसाए जाने से लेकर और आखिर तक ये 483 वर्ष थे, और उसके बाद यरूशलेम के फिर से बसने की आज्ञा के निकलने से के 7 सप्ताह ठहराए गए थे, इसका मतलब है 49 वर्ष। अब ध्यान दीजिएगा कैसे है, इस चीज को ऐसे समझिए, यहां पर ये 8 का फर्क जो है प्रॉफिट ने किस तरह से समझाया इस बात को इस तरह समझे, यानी ये नेमिया के समय से यहां तक 30 एडी के 475 वर्ष है। प्रॉफिट कहता है कि ये 30 वर्ष जो दिए गए हैं ये रोमन कैलेंडर से है, जिसकी वजह से 8 वर्ष का जो है वो गड़बड़ी आ रही, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो सिद्धता का परमेश्वर है। प्रॉफिट ने कहा किस तरह से इसको जो है देखा गया है आप देखें, यानी 7 वर्ष तो ये थे ही थे, ये 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा गया था, यानी यीशु मसीह इन 62 सप्ताहों के बाद जो है वो प्रवेश कर रहा है इन 62 सप्ताहों के आखिर में। तो अगर हम 62 सप्ताहों को अगर हम 7 से यानी इनके वर्ष बनाए तो ये बनेंगे 7 × 14 और 7 × 42 और 43 434 वर्ष बनेंगे। इन 434 वर्षों में देखिए ये 62 सप्ताह 7 से मल्टीप्लाई करके 434 वर्ष बने, और ये 7 सप्ताह जो यरूशलेम बसाया गया था ये बने 49 वर्ष। तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं ये तो 69 का जैसे ही हिसाब आता है, ये 409 × 13 × 8 ये 483 वर्ष आते हैं। प्रॉफिट ने इसको इस तरह से कैलकुलेट किया है 84 पैरा के अंदर, उसने ये कहा है कि ये 8 वर्ष अगर हम नेविया के समय से ले लेते हैं तो ये 445 वर्ष वहां से लेकर, यानी नेविया के समय से अगर ले तो ये 30 एडी का जो समय आ रहा है ये आगे पीछे है रोमन कैलेंडर की वजह से, और इसके अंदर यही चीज की वजह से ये 475 वर्ष बन रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रोफेटिक कैलेंडर के हिसाब से ले, यानी इसके हिसाब से जो समय समझाया गया, यानी एक एक, एक सप्ताह 7 वर्ष के बराबर, तो 7 सप्ताह 49 वर्ष के बराबर होंगे और 62 सप्ताह जो है वो 434 वर्ष के अनुसार होंगे, और इस तरह से पूरा का पूरा 483 वर्ष में ये बात पूरी होती है। इसलिए इस बात को ध्यान से देखें कि मुझे और आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन सप्ताहों के ऊपर जो है वो स्थिर करनी है। यरूशलेम का बसाया जाना ये नेमिया के समय से पूरा होकर आया है, और नेमिया के समय से जब 445 जो हमने लिए हैं वर्ष जो है उसके बाद 30 एडी वाला जगह यहाँ पर 8 वर्ष का जो है वो फर्क जो है वो आता है। अब देखिए यही चीज़ है, मैं इसको जो है यहाँ पर देखता हूँ 483 में से 475 अगर हम घटाते हैं तब हमको 8 साल का फर्क जो है वो मिलता है। ये देखिए यही चीज है जो 8 वर्ष का जो फर्क आ रहा है वो यहाँ पर, तो ये इससे के लिए, लेकिन जो भी बात इतिहास के अंदर कही गई है उसके हिसाब से ये 8 वर्ष का फर्क जो है वो रोमन कैलेंडर के हिसाब से जो है वो पाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा मुझे आप, मैं आपको फिर से रिज्यूम करता हूँ, तो इसको आप देखेंगे 7 सप्ताह और 62 सप्ताह, ये एक सप्ताह जो है ये बाद में है,
बीच में, यानी कि 62 सप्ताहों के बीतने पर वो पुरुष, अभिषिक्त पुरुष यानी यीशु मसीह सूली पर चढ़ाया गया, और उसके बाद से ये 7 चर्च एजेस जो हैं वो सामने आती हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये चार्ट है हमारा, ये 7 कलीसियाई काल हैं और इन कालों के बीच में ये सारी चीज़ है। ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद फिर 1260 दिन, यानी अब हम जब आगे की ओर चलते हैं, अभी इतना यहाँ पर देखें, ये 69 सप्ताह यीशु मसीह तक पूरे हुए, और यीशु मसीह तक पूरे होने पर 483 वर्ष इनके हिसाब से कैलकुलेट करके आते हैं। अब ये एक सप्ताह यानी कि 7 वर्ष जो है वो बचे हुए हैं। अब यही चीज समझने की है कि मुझे और आपको आगे की ओर हम इस चीज को जो है वो लेकर चलेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आगे के इस एक हफ्ते के अंदर, इस एक सप्ताह के अंदर ये कार्यक्रम जो है ये दुल्हन के उठाए जाने के बाद शुरू होता है। क्योंकि हमने 27वें पद के अंदर पढ़ा था इसमें कि वो जो दूसरा प्रधान आएगा वो एक सप्ताह की वाचा को बांधेगा और फिर उसके बाद उसे आधे में तोड़ देगा। और ये स्थितियां जो तोड़ देने वाली स्थिति है उस समय में क्या होना है, उस समय में किस तरह से होना है, इसको हम आगे की ओर अभी थोड़ा सा देखेंगे। उनका धन्यवाद हो। इस तरह से पूरी तरह से इन 69 सप्ताहों का हिसाब 84 पैराग्राफ तक प्रॉफिट ने पूरा किया है, और इसके बाद प्रॉफिट और दूसरी बातें करता है और फिर बताता है आगे की ओर। देखें, फिर देखें, मैं अब चलता हूं बानवे 93 पैराग्राफ से आगे। अब स्मरण रहे कि इस भविष्यवक्ताई कैलेंडर में एक वर्ष में 360 दिन होते हैं। प्रॉफिट ने इसी को जो है कैलकुलेट किया है, और इस चीज़ को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं ताकि आप इस बात को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें। हम पीछे की ओर चलते हैं और मैं पैराग्राफ 66 में आपको बताता हूँ, 66 के अंदर मैं इसे पढ़ता हूँ, फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड पर दिखाऊंगा कि किस तरह से है। अब सवाल पैदा होता है कि ये 360 का और फिर ये जूलियन कैलेंडर का, रोमन कैलेंडर का, ये दिनों का जो फर्क आया है ये किस तरह से आया है, इस फर्क को प्रॉफिट ने जो है वो समझाया है। तो आप इस बात को देखिए, क्योंकि प्रॉफिट को जो भी चीज़ मिली, हम जानते हैं कि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वो प्रॉफिट नहीं था वरन हमारे लिए जो है वो पवित्र आत्मा था जो प्रॉफिट के जरिए बात कर रहा था इस मैसेज के अंदर। अब देखिए प्रॉफिट कहता है 66 पैरा के अंदर, प्रॉफिट कहता है ये गड़बड़ी कैसे हुई, ये जो सालों का जो डिफरेंस आ रहा है 365 सही 1/4 दिन जूलियन कैलेंडर में, और रोमन कैलेंडर में 365 दिन, और ये प्रॉफिटिक कैलेंडर में 360 दिन, ये किस तरह से हैं, तो ये गड़बड़ी कैसे उत्पन्न हुई। मैं विश्वास करता हूँ कि पृथ्वी का जल प्रलय के द्वारा सर्वनाश होने से पहले अय्यूब के समय में तथा पूर्वकालीन और दूसरे लोगों के समय में लोग तारों के द्वारा समय ज्ञात करते थे, तारों के द्वारा। इससे भी पहले संसार ठीक ठाक चल रहा था, इसके बाद मनुष्य। अब देखिए यहाँ पर आता है कि अगर आप देखेंगे इस समय में यानी हनोक से पहले और फिर नू के बाद, आप देखें कि इसके अंदर पृथ्वी पर गड़बड़ी फैल गई थी, और नू के समय में परमेश्वर ने कहा था मैं मनुष्य जाति को पृथ्वी पर से मिटाने पर हूँ, क्योंकि उनके अंदर, उनके हृदयों में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है। तो इस स्थिति से परमेश्वर ने जो है वो जल प्रलय पृथ्वी के ऊपर भेजा। तो प्रॉपर्टी सी बात कहता है, इसके बाद मनुष्य
में पाप बढ़ जाने के कारण, संसार में आबादी बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण पृथ्वी अपने अक्ष से तनिक 23 सही 1/30 डिग्री झुक गई। बाढ़ें आई और यही कारण है कि आज बड़ी तलहटी बर्फों से परिपूर्ण है। आप देखें, प्रॉफिट इस बात को कहता है कि जिस वक्त नूह के समय में पानी गिरा था और ये सारी चीजें हुई थी, तो पृथ्वी का जो एक्सिस है यानी जो सीढ़ी थी, सूर्य और चंद्रमा और तारे सब इस तरह से थे और पृथ्वी सीधी सीधी घूम रही थी। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ध्यान दीजिए। मैं शॉर्ट में ही समझा दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। पृथ्वी की एक्सेस थी वो सीधी थी ऐसे, नहीं दिख रहा है, इससे नहीं दिखता है, काले से दिखता है। पृथ्वी अपनी एक्सेस पर ऐसे घूम रही थी बिल्कुल सीधी, यानी इस तरह से पूरा अगर देखें ये 90 डिग्री था, दिख रहा है, थोड़ा सा आगे कर दूंगा। इसके बाद इस एक्सेस से पृथ्वी जो थी वो थोड़ी सी टिल्ट हुई, देखें ये एक्सेस जो ऐसी थी, ये एक्सेस ऐसे हो गए, ये जो हिस्सा आया है अपनी धुरी पर ये ऐसे झुकी है, ये 23 सही 1/30 डिग्री अपनी एक्सेस पर जो है वो झुक गई है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो परमेश्वर ने चांद तारे सितारे ये सब जो थे जो स्थिर रखे थे, तो ये सारी चीजें जो थी बिल्कुल सही समय से चलती थी और लोग जो है बिल्कुल सही है, लेकिन जब ये टेढ़ी हो गई इस तरह से तो पृथ्वी ऐसे घूम रही, ये पहले ऐसे घूमती थी ऐसे, तो सूरज अगर इधर है तो ये इसके हिसाब से सीधी घूम रही है, चांद अगर यहां पर है तो ये यहां पर बिल्कुल सीधा ऐसे घूम रही है, ये तारे अगर इधर या कोई भी नक्षत्र है वो इसके ऊपर ऐसे ऐसे घूम रही थी। लेकिन इसके बाद जब ये टिल्ट हुई इस तरह से, तो आप देखें ये इस डिग्री पर टिल्ट हुई है, तो ये ऐसे, आप देखें अगर ये घूम कर आती है ये ऐसे, तो ये ऐसे रहेगी, ये ऐसे नहीं थी, आप देखें ये इसको ऐसे रहना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे घूम रही है टेढ़ी ऊपर यानी इस डिग्री पर, जिसकी वजह से दिन और रातों के अंदर जो है वो फर्क हुआ। और इसका कैलकुलेशन जब लोगों ने किया तब 365 सही 1/4 दिन का फर्क और 365 दिन यानी कि 5 दिन और 5.5 दिन का फर्क जो है वो इस कैलेंडर में आने लगा। लेकिन नूह से पहले के समय में ये पृथ्वी सीधी सीधी ऐसे घूमती थी, तो हर जगह से उसकी पोजीशन जो परमेश्वर ने नक्षत्रों के हिसाब से सेट की थी बिल्कुल सीधी सीधी थी, और हर एक वर्ष दिन महीने में 30 दिन हुआ करते थे। इसके टिल्ट जब ये इधर गई तो दूर हो गई, तो दिन महीना बड़ा हो गया, जब ये इधर की तरफ आई तो ये टिल्ट हो गई इधर की तरफ से ऐसे, ये यूं करके ऐसे टेढ़ी, तो इसके अंदर जो है समय कम हो गया यानी फरवरी 28 की हो गई, ऐसे जैसा कैलकुलेट किया जा रहा है। जब इधर की तरफ गए तो 31 दिन होने लगे, यानी ये स्थितियां अगर आप देखें तो गौर से अगर आप देखेंगे तो जून जो है जो 30 दिन का होता है, उसके बाद जुलाई 31 दिन का, अगस्त 31 दिन का, और फिर उसके बाद इनका कैलकुलेशंस करके ये फिट बैठाया गया है। ये मनुष्यों के द्वारा है ना कि परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा तो ठीक पूरा जो था वो 360 दिन थे, यहां पर 365 सही 1/4 और 365 दिन यानी जो है वो डेज। ध्यान से इस बात को देखिएगा तो आपको देखें कि इसी वजह से ये जूलियन कैलेंडर में, रोमन कैलेंडर में ये कैलकुलेशंस मनुष्यों के द्वारा है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा 360 दिन है। इसी चीज को
भविष्यवक्ता के माध्यम से यानी यहुन्ना के माध्यम, मुझे माफ कीजिएगा, यहुन्ना के माध्यम से प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने सारी चीजों को दिखाया। वहां पर अगर हम प्रकाशित वाक्य 11 में जाएंगे तो वहां पर दो भविष्यवक्ता जो आते हैं वो 1260 दिन इसको जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ समय यहाँ पर दूंगा 1260 दिन डिवाइडेड बाय 30, ये डे ये आएगा 42 मंथ्स महीने। अब इन 42 मंथ्स को अगर हम साल बनाएंगे तो ये आएगा 3/1/2 ईयर्स, 12 मंथ्स है, ये 42 मंथ्स है, हम इनको 12 से डिवाइड कर देंगे तब ये 3.5 साल आएंगे। ऐसे ही बहुत से और दूसरे एग्जाम्पल्स जो हैं प्रकाशित वाक्य 12 के अंदर, जो स्त्री है उसे भी 1260 दिन दिए गए थे और आगे की भी बहुत से ऐसे रेफरेंस है जहाँ पर इन 1260 दिनों का ही जो है वो जिक्र जो है वो दिया गया है। ये क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी ओरिजिनलिटी के अंदर यानी ओरिजिनल के अंदर 360 दिन ही जो है एक साल के अंदर लगाए हैं। ध्यान दीजिएगा और आप पाएंगे कि इसी वजह से पृथ्वी जो है वो घूमे। लेकिन आगे आने वाले समयों में जब यीशु मसीह उतरेगा और फिर उस पर्वत पर अपना पैर रखेगा तो वहां पर खट जो बनेगा उससे पृथ्वी फिर वापस ऐसे लौटनी है मिलेनियम टाइम के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आगे आने वाले समय में फिर से ये पृथ्वी द्वार बहुत बड़ा जो है वो विस्फोट होगा, ज्वालामुखी फटेगा और उस जगह पर फिर से पृथ्वी को इसी पोजीशन में फिर से आना है, रेस्टोरेशन है। और ये रेस्टोरेशन होकर फिर से 360 का उस वक्त मौसम बदलेंगे नहीं, इनके बदलने से मौसम बदल गया। जब सूरज अगर यहाँ है तो पृथ्वी अगर ये यहाँ पर है लोग तो गर्मी पड़ रही है, यहाँ बरसात होना है ना, ये देखिएगा आप जैसे ही ऐसा होना जो जैसे ही पानी बरसना शुरू हुआ था आप देखें नूह के समय से ये मौसम जो है वो बदलना शुरू हो गए थे। लेकिन मिलेनियम में क्या होगा? मिलेनियम में ये फिर पोजिशन अपनी जो है अर्थ रेस्टोर करेगी और उसके बाद ना तो गर्मी होगी ना सब एक जैसा मौसम रहेगा। और आज भाई इस बात को समझ पा रहा हूँ आदम और हव्वा किस तरह से जो है बागे अदन के अंदर रहा करते थे, यही वो चीज़ है जो अब मुझे और आपको हमें भी मिलेनियम में जो है ऐसे ही रहना होगा जहाँ पर गर्मी सर्दी बरसात ऐसा कुछ भी, क्योंकि उस जगह में नई पृथ्वी नए आकाश जब आएगा तो उसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगी जो डिस्टर्बेंस डालेगी। प्रभु का धन्यवाद होवे कि उसने मुझे और आपको ये बातें आगे की ओर दी हैं। आगे आइए, अब अगर यहाँ पर पूरे दिन होते तो ये बात भागना नहीं पड़ता, बार बार इसको इधर उधर नहीं रखना पड़ता। ध्यान दीजिएगा, आइए अब हम आगे की ओर देख रहे थे 84 पैरा से आगे की ओर ध्यान दीजिएगा। इसलिए 93 पैरा में अब स्मरण 92 में अब स्मरण रहे कि इस भविष्यवक्ताई कैलेंडर में एक वर्ष में 360 दिन ही होते हैं। अब देखें प्रकृति में भी समय का यही क्रम पाया जाता है, नेचर में भी यही सिस्टम जो है 360 का जो है अभी तक पाया जाता है। आप देखें लगभग तीन जो सीजन हैं, तीन मुख्य सीजन जो हैं यानी कि जाड़ा गर्मी और बरसात, ये लगभग लगभग 4 महीने के होते हैं, तो 4 × 12 महीने, ये लगभग लगभग। लेकिन अब ये गड़बड़ी हो गई, इसकी वजह से कभी जो है ज़्यादा ये गड़बड़ियाँ जो है जो शुरू हुई हैं पृथ्वी के इस रोटेशन की वजह से और पृथ्वी के इस टिल्ट होने की वजह से ये फिर से हमारे लिए रेस्टोर हो जाएंगी। लेकिन प्रॉफिट क्या कहता है 92 पैरा में कि प्रकृति में भी समय का यही क्रम पाया जाता है, यानी 360 वाला नॉर्मल वाला जो परमेश्वर ने रखा था। इसलिए भविष्यवक्ताई कालक्रम में यानी प्रोफेटिक कैलेंडर के अनुसार
ये 483 दिन ही होंगे। वो देखिए ऊपर, वो ऊपर 7 + 62 + 69 + 7 years 483 वर्ष। तो एक्चुअल में ये 483 वर्ष ही होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इसे ऐसा ही ठहराया। और ये पूरा का पूरा समय कदापि भी नहीं बदले। वे सभी भविष्यवाणियां जो डेनियल के 70 सप्ताह में की गई थी तभी कदापि पूरी नहीं थी, पूरी ना हुई थी, क्योंकि ये इन अंत के दिनों के लिए रह गई। यही चीज थी। अगर ये चीज पूरी वैसे सीधी होती तो वो 70 सप्ताह पूरे होते और एक सप्ताह पूरा हो जाता। लेकिन जो भविष्यवाणी की गई है 27वें पद के अंदर, वो कब पूरी होगी, ये चीज आगे की ओर आगी, आगे की ओर आई है। अगर इसराइली लोग जो हैं वो मसीह को ठुकराते नहीं, यानी वो तो जानबूझकर, जैसा कि रोमी पत्री के अंदर पौलुस इस बात को साफ समझाता है कि हमारी वजह से उनकी आंखों को अंधा किया गया, और हमारी वजह से ही वो लोग जो थे वो अपने देश से जो है वो तितर बितर हुए थे। तो मैंने कल आपको बताया था आपके ग्लोरी के बर्थडे में कि आप जो है व्यवस्था विवरण घर जाकर 30 और 31 जरूर पढ़िएगा। तो 31 के अंदर मूसा को ये बात परमेश्वर बताता है, ये लोग विरोध करेंगे और दूसरे देवी देवताओं के पीछे चले जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। ये बात पहले से तय की गई थी ताकि हम अन्य जातियों को समय मिल सके या उद्धार मिल सके, क्योंकि परमेश्वर ने जो मनुष्य बनाया है वो पूरा का पूरा वर्ल्ड है, वो मनुष्य जाति के लिए ही है, मनुष्य बनाया था उसने। और यही चीज़ अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बैक में ले चलना चाहता हूँ ताकि हम जानें कि हम अन्य जाति कैसे बने। हम अन्य जातियों के बनने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि जिस वक्त नू के समय में पृथ्वी में सब मनुष्यों की जो है वो मृत्यु हो गई थी महाप्रलय में, जल प्रलय में, तो उस वक्त केवल 8 प्राणी बचे थे। उसमें जो था नू था और नू के 3 लड़के थे, शेम, हाम और ये पे। आप ध्यान देंगे, अगर आप इस बात को ध्यान देंगे तो परमेश्वर ने शेम के वंशावली से आगे की ओर बढ़ना शुरू किया है। यानी 12वें अध्याय तक आप देखिए, 11वें अध्याय तक उत्पत्ति के शेम की वंशावली आई और हाम और येपेत को छोड़ दिया गया। इनकी वंशावलियां कहीं नहीं दी गई है, हाम और येपेत की वंशावलियां नहीं दी गई, ये सिर्फ और सिर्फ दी गई है शेम की वंशावली। इसी शेम की वंशावली में जो है अगर आप देखेंगे 11वें अध्याय में तो आपको पाएंगे कि इसी वंशावली में अब्राहम उत्पन्न हुआ, शेम की वंशावली में। और फिर 12वें अध्याय के अंदर उत्पत्ति के एकदम से अब्राहम से आगे की ओर सारी बातें निकल कर चली हैं, और अब्राहम से ही ये वादा किया गया कि मैं तेरे वंश में से जो है वो बड़ी जाति जो है वो बनाऊंगा। और वहीं से फिर आपके याकूब आता है, याकूब से 12 जो है गोत्र आते हैं, 12 गोत्रों से जो है 12 कबीलों से कबीले बनते हैंगे, उन 12 लड़कों से जिनके नाम जो है याकूब के 12 लड़कों के उसी के उन्हीं के नाम से जो हैं वो गोत्र बने। और यीशु मसीह तक ये सारे इसराइली जो है इब्राहिम के ही वंश से चलते चले आए। लेकिन क्योंकि व्यवस्था विवरण 31 के अंदर इस बात को कहा गया था, मूसा को बताया गया था कि ये जो है होंगे और मैंने तितर बितर कर दूंगा इनके घर, देश को जो है डेसोलेट कर दूंगा यानी उजाड़ कर दूंगा। और फिर ये क्यों था, जब यीशु मसीह का जो है इनकार किया गया और इसराइलियों ने यीशु को मसीहा नहीं माना, तो उस वक़्त से परमेश्वर जो है वो फिर अन्य जातियों में गया। और अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि पौलुस जो है वो ऊपर के यानी कि ऊपर जो एशिया माइनर का जो हिस्सा था उस जगह में पूरा ये फैलाव आया है, और वहीं से पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह की गॉस्पेल अर्थात यीशु ही मसीह है जिसने पापों के दाम के लिए अपने लहू के द्वारा हमारा दाम, पापों का दाम चुकाया और अनंत जीवन का के लिए जो है वो मुर्दों में से जी उठा और उसने मृत्यु को जीत लिया। ये गॉस्पेल जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है वो किसके लिए फैली, ध्यान दीजिए, ये हाम और ये पेट से निकलने वाली जितनी भी वंशावलियां थी जो पृथ्वी पर फैल गई थी, इनके लिए ये सुसमाचार यीशु के द्वारा आया। तो हम अन्य जाति लोग जो हैं उनके लिए कितनी बड़ी बात है कि इसराइलियों ने हमारे ही कारण जो है वो दुख उठाया है, अन्य जातियों के कारण ही। और हम क्या कर रहे हैं कि हम उसी मसीहा को बार बार अपने कामों से क्रूस पर चढ़ा देते हैं, अर्थात उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, जैसे इसराइलियों ने माना था।
इसी तरह से जो उन्होंने इसराइलियों ने नहीं माना तो उनको जो है परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। इसी तरह से अन्य जाति भी जो उसका बीज है जो उसके लिए चुने गए, ऐसे ही वो अन्य जाति लोग भी जो हैं वो महाक्लेश के समय, जिसे बोलते हैं ट्रिब्यूलेशन, उस समय में वैसी ही पीड़ा जो है वो पाएंगे और वैसी ही महामारियां जो हैं वो आएंगी। वही सब चीज़ें अभी जो आ रहा है या इस समय में हमारे समय में चल रहा है, ये सिर्फ एक माइनर है, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। लेकिन ये जब विपत्ति का कटोरा जब उंडेला जाएगा अन्य जातियों के समय में, तो उस वक्त जो जब दुल्हन जो होगी वो रैप्चर में होगी, जैसा कि प्रोफेट ने इस बात को बताया, शुरू में ही हमने देखा था कलीसिया कालों में कि तीसरे कलीसिया काल के बाद दुल्हन जो है वो ऊपर चली जाती है और फिर 19वें अध्याय में नीचे आती है। ये बीच का वक्वा जो है या बीच की ड्यूरेशन जो है, इसका कैलकुलेशन हम आगे की ओर देखेंगे और आगे की ओर देख कर हम इस चीज़ को जानेंगे कि वास्तव में परमेश्वर ने हम पर कितनी बड़ी करुणा की है कि ये सारी चीज़ें जो वो नहीं आई हैं। आगे की ओर हम देखेंगे कि इस बात के लिए ध्यान दीजिएगा कि इस एक सप्ताह का थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है और इसके लिए प्रॉफिट ने इन चीज़ों को जो ये डैनियल के 70 सप्ताह हैं, ये 30 जुलाई 1961 को ये प्रचार किया था और प्रॉफिट ने जो इस बात को कहा ये एक सप्ताह बचा, कई एक जगह बताई ये एक सप्ताह बचा है, लेकिन आगे जाकर जब सील्स खुली हैं उसमें प्रॉफिट ने इसे कहा है कि एक सप्ताह नहीं है, ये आधा सप्ताह है। इस आधे सप्ताह के इसीलिए आधे सप्ताह में वो प्रधान जो है वो वाचा को तोड़ेगा, क्योंकि प्रभु के कैलेंडर में गलती नहीं है, इसीलिए जो है वो बांधेगा तो एक सप्ताह के लिए, लेकिन आधे में तोड़ देगा। वो 3.5 साल का टाइम है जो मैंने ऊपर कैलकुलेट करके दिखाया कि वो दो भविष्यवक्ता जो प्रकाशित हुआ 11 में एलिया और मूसा जो है वो आएंगे, वो 1260 दिन अर्थात 42 महीने तक, इसी तरह से अन्य जातियां जो है 42 महीने तक रौंदेंगी। अगर हम आपके प्रकाशित हुआ 13 के अंदर आगे तक देखेंगे, उसमें भी 42 महीने तक दिया गया। प्रकाशित 12 के अंदर अगर हम देखेंगे तो वो स्त्री जो शिशु जन्मने पर थी वो भागी थी शैतान के सामने से और उसे भी 1260 दिन ही दिए गए। ये सारी चीज़ें जो है इन्हीं 1260 दिनों के अंदर अर्थात 3.5 साल के अंदर ही हो रही हैं और यही 3.5 साल जो हैं यही ट्रिब्यूलेशन के पीरियड के टाइम है और इसके बाद भी और सा समय है जो डैनियल के समय में दिया गया है। इसको भी अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि उतने समय तक, यानी मिलेनियम एकदम से 3.5 साल के बाद नहीं आ रहा है, मिलेनियम जो है उसके बीच में कुछ समय अंतराल है जिसके अंदर बहुत सी बातों का होना पाया जाना है, तो इसको हम नेक्स्ट वाले उसके अंदर देखेंगे। मेरा कुछ जो है वो अभी बाकी है, मैं उसे पढ़ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि किस तरह से आगे की ओर हम इस बात को देखेंगे कि इस तरह से। यहाँ तक आप समझ लीजिए कि ये 1260 दिन अर्थात 3.5 साल जो हैं ये रैप्चर के बाद शुरू होंगे और उसी समय में ये वाचा बांधी जाएगी और ये सारी चीज़ें हम आगे की ओर देखेंगे कि किस तरह से ये पूरी बात आगे की ओर आती है। लेकिन खुशी की ये बात है आखिरी वर्षा इस वक्त जो हर जगह बरसती है और देती है नजात, तो मेरे और आपके लिए ये नजात का काम परमेश्वर ने करके रखा, ये विशेष अनुग्रह है उसकी दुल्हन के लिए जो इस समय में जिंदा हैं, जो इस समय में प्रभु के वचन में हैं। बहुत से सो गए हैं इस मैसेज के एंड टाइम मैसेज के, बहुत से लोग प्रभु में सो गए हैं, लेकिन प्रभु का हम कितना धन्यवाद करें कि इतने भयंकर समय में भी जहां संसार में आज त्राही त्राही और भारत में खास तौर से त्राही मची हुई है, परमेश्वर ने हमें अपने लहू के बाड़े में सुरक्षित रखा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो ही हमारा रक्षक और मददगार है, इसलिए डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक युद्ध है जो मुझे और आपको लड़ना है। अब ये युद्ध कैसे, मतलब क्यों आया है, इसके बारे में भी हम जानेंगे, इसके बारे में भी देखेंगे। मैं इसके बारे में जो है वो तैयार कर रहा हूँ, परमेश्वर हमें मुझे इस बात के लिए जो है वो अनुग्रह दे कि मैं इस चीज़ को जो है वो जो है तैयार कर सकूँ और कलीसिया में दे सकूँ ताकि आगे आने वाले समय में इन बातों को जान सकूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। आइए हम खड़े हो जाएंगे, आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं इतना ही तैयार कर पाया हूँ और परमेश्वर आगे पूरा अनुग्रह दे तो हम इस चीज़ को आगे की ओर देखेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं समझता हूँ मैं इसके बाद जो है
ये दिव्यांशु इसको बोर्ड के सामने लगा देना ताकि लोग जो है इसे नोट कर सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ पिता कि आप महान करुणा में परमेश्वर हैं और आप ही का अनुग्रह और करुणा ही है जो हम पर। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आपकी उस आशीष के लिए, तमाम उन आशीषों के लिए जो आज तक आपने हमें प्रदान किए हैं। हमारे रक्षक हों, हमारे मददगार हों पिता। जाने जाने में अगर फिर भी कोई गलती हुई हो या इसमें भी कोई गलती हो तो प्रभु आप उसे हमें प्रभु समझाइए। हालांकि हमने इसे प्रॉफिट के जरिए ही जो आपने दिया प्रभु उसी पर हमने इसे भरोसा रखकर आगे की ओर देखा है, और प्रभु आगे का जो कुछ भी है प्रभु अपने प्रकाशन के जरिए हम पर प्रकट करें और हम प्रभु आप में फलवंत डाली हूँ। सारा चार्ज तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। जब तक दोबारा मिलते हैं पिता तब तक हम सबकी रक्षा और मदद करें, अपने लहू के बाड़े में सुरक्षित करें। जो मौसमी बुखार या खांसी या और परेशानी से पीड़ा से परेशान हैं उन सबकी परेशानी और पीड़ा को प्रभु आप दूर करें, अपने लहू से वॉश आउट करें, अपने लहू की सामर्थ में भरपूर करें ताकि हम सब प्रभु आपके लिए प्रभु खड़े होने के लायक हों। हमें अपने लहू के बाड़े में और अपने आत्मा की अगुवाई में सुरक्षित करें। हम संसार की ओर नहीं वरन तेरे वचन की ओर देखने वाले हों, तुझ पर देखने वाले हों, क्योंकि प्रॉफिट के जरिए आपने ये भी मैसेज दिया, लुक अवे टू जीसस, प्रभु की ओर देखो, यीशु की ओर देखो। हम प्रभु तेरी ओर अपनी निगाहें उठाते हैं और तुझसे विनती करते हैं, प्रभु हमारा हाथ थाम ले और हमें ले जाए, हाथ पकड़ कर हमको चला, मसीहा तू अपनी राह चला, क्योंकि पथ अंधियारे के राही हैं हम, लेकिन हमें अपनी पग पग हमें अपनी राह चला, प्रभु ऐसी हमारी प्रार्थना है। इस प्रार्थना को बहुत धन्यवाद के साथ आपकी वेदी पर समर्पित करते, अपने आप को, इस छोटे से झुंड को, अपने परिवार को और प्रभु पृथ्वी पर की समस्त दुल्हन को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती जमीन पर भी हो, हमारी रोज़ की रोटी आज हम बख्शते, और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा से रही हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, आनंद और शांति अब से लेकर हमेशा तक समस्त विश्वासियों के साथ होते रहें, आमीन। भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। क्या करना है?